हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का मिथ है कि सीएनजी गाड़ी भागती नहीं है और पिकअप नहीं होता। तो आज मैं आपको ये i20 एक्टिव है, मैं इसको आपको भगा के दिखाता हूँ। अभी देख लीजिए, नॉर्मल स्पीड है और गाड़ी है सीएनजी पे। ये देख लीजिए, गाड़ी है सीएनजी पे। अब मैं आपको ये गाड़ी को भगा के दिखाता हूँ, आप परफॉर्मेंस देखिए। बहुत से लोग कहते हैं भैया सीएनजी गाड़ी भागती नहीं है, दबती है। देखिए, सारा खेल है इंस्टॉलेशन का और ट्यूनिंग का। अगर आपकी गाड़ी की इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी हुई है, गाड़ी अच्छी तरह से ट्यून हुई है, गाड़ी तेज भी भागेगी और अगर आप उसको स्लो चलाना चाहेंगे तो स्लो भी वो फ्लॉलेसली चलेगी, कोई झटका नहीं देगी, कोई लैग नहीं होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई गाड़ी का ना स्पीड दिया, गाड़ी अब तेज नहीं भागेगी, दौड़ा नहीं सकते, ये वो। तो ऐसा नहीं है, दोबारा देख लो, दूसरा गियर है, गाड़ी पूरी खींचती है। कहाँ तक खींचोगे और क्या, बच्चे की जान लोगे क्या? एवरेज भी चाहिए और गाड़ी भागानी भी है। तो सर ऐसा है, जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं भागती, खूब भागती है, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब बेकार की बातों को ना सुने कि भाई गाड़ी नहीं भागती या अच्छी नहीं चलती। गाड़ी बहुत अच्छी चलती है सीएनजी वाली, बशर्ते आपकी इंस्टॉलेशन अच्छी हुई हुई हो, ट्यूनिंग प्रॉपरली हुई हो, हर एक पैरामीटर से गाड़ी चेक हुई हुई हो ट्यूनिंग के दौरान, तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। और मैं सभी से कहूँगा कि स्विच टू सीएनजी, एनवायरनमेंट को बचाइए, अपने पैसे को बचाइए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है उसको बेकार में। लोग कहते हैं भाई पेट्रोल, अगर औकात नहीं है तो भाई पेट्रोल गाड़ी क्यों लेते हो, नहीं लेते हो, भाई औकात की बात मत करो, ठीक है। जो लोगों को इजीली मनी मिल जाता है ना, उनको पता नहीं होता कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। जो आदमी खुद सुबह से शाम तक अपने आप को रगड़ता है और पैसा कमाता है, उसे पता है कि पेट्रोल में पैसा जला के कोई फायदा नहीं है, गाड़ियाँ और खरीद सकता है बंदा फ्यूचर में अगर उसका पैसा बच रहा है। तो स्विच टू सीएनजी, अपना एनवायरनमेंट भी ग्रीन रखिए, अपने पैसे को भी बचाइए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए पैसे को बचा के, और अच्छी जगह से इंस्टॉलेशन कराइए, अच्छी जगह से ट्यूनिंग कराइए। और अगर गाड़ी में आपकी कोई इशू है, आप सोचते हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि भाई सीएनजी गाड़ी ऐसी ही चलेगी, तो ऐसा नहीं है। सीएनजी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, बहुत फ्लॉलेस चलती है, कोई इशू नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। वही बात मैं रिपीट करूंगा, बशर्ते उसकी इंस्टॉलेशन अच्छे से हुई हो, ट्यूनिंग अच्छे से हुई हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।